Once a wise man said, "Is the thing about books, they let you travel without moving your feet." और आपको तो पता है, we Bengalis worship knowledge, books more than anything. As a result of that, we have Netaji Subhash Chandra Bose, all-time greatest Rabindranath Tagore, Jagdish Chandra Bose. और आज जिस जगह पे मैं आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ, उधर तो भाई साहब बुक रीडिंग एंड नॉलेज गेनिंग को एक नेक्स्ट लेवल तक लिख गए। और आपको शायद ये बात भी पता होगा कि कोलकाता इज द ओनली सिटी जहाँ पे भाई साहब आज भी देश में ट्रम चलता है। तो फिर ऐसे एक जगह पे आपको लेके जाऊँगा जहाँ पे ट्रम पे आप सफ़र करने के अलावा आपके मनपसंद बुक्स भी पढ़ सकते हैं। सो लेट्स गो, कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं। इस पॉइंट पे खड़ा होकर मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर दो पॉइंट मेरे को पता होता तो फिर मजा आता है। नंबर वन, कि ये जो ट्रम है वो कितना यूनिट में लॉन्च किया है, इसमें क्यों प्रॉब्लम होगा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अगर एक यूनिट लॉन्च किया है, अगर मैं जाते जाते लेट हो गया और आपने जहाँ से वो ट्रेन चालू होता है उधर से निकल गया, क्योंकि वो ट्रेन 4 किलोमीटर का रूट कम्प्लीट करके फिर से वो जो बिगिनिंग जो इनिशियल स्टेशन है वहाँ पहुँचता है, तो अगर मेरे को जाते जाते लेट हो गया तो फिर मेरे को वेट करना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट है कि टाइम टेबल्स। टाइम टेबल्स का मतलब है कि वो कितने बजे अपना जो इनिशियल स्टेशन है वहाँ से निकलता है, और अगर एक यूनिट है वो फिर से लौट के कब आता है। और इंटरनेट पे ऐसा कुछ है नहीं, तो अगर वीडियो के एंड तक मेरे को इसके बारे में पूरा डिटेल पता हो जाए तो मैं आपको एंड में बता दूँगा। और रही बात लेट का, वो मैंने जानबूझ कर किया, क्योंकि भाई साहब अगर 10 बजे के करीब आप निकलते हो भाई साहब उस टाइम पे ऑफिस टाइम रहता है, और ऑफिस टाइम में मेट्रो में आपको सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। और तो फिर अगर 12 बजे जाओगे तो फिर एक चीज़ सिक्योर हो जाता है कि भाई साहब रिस्क फ्री रहूँगा, भीड़ कम होगा, तो फिर बाकी तो आपको पता है। मैंने तो आपको बोला नहीं कि मेरे को अभी जाना किधर है, जाना मेरे को है एस्प्लेनेड, वहाँ से इनिशियल ट्रम खुलता है। तो फिर कैमरा डाल लेते हैं बैग में, कोई फ़ायदा नहीं है, मेट्रो का गार्ड देख के ऐसे नाचने लगता है, ए तुम्हें कैमरा नहीं खींचते, तुम्हें जीते पर भी नहीं। चलो इतना मेहनत से लेट करके मैं निकला घर से, बताओ आके मैं सोचा कि मेट्रो में मेरे को सीट मिलेगा, भाई साहब किसी ने जगह नहीं दिया, देख रहा पैर में दर्द है फिर भी किसी ने जगह नहीं दिया, बताओ बहुत जालिम है दुनिया यार। अंकल आज जो उस टाइम पे निकला है, रोज इसी टाइम पे निकलता है क्या लाइब्रेरी वाला ट्रेन? इसका बोल नहीं सकते साहब, इसका टाइम का बोल नहीं सकते। अच्छा घंटे दो घंटे रहेंगे फिर यहाँ चले आएंगे। देखते हो ना आप लाइब्रेरी वाला ट्रेन को? मैं जब मेट्रो से निकल रहा था तभी ट्राम में देख रहा था यहाँ से गुजर गया था, ये मेन स्टेशन है जहाँ से निकलता है, और एक दुर्घटना हो गया मेरे साथ, मेरा पता नहीं अचानक से ये मेरा चश्मे का डंडा देख सकते हैं निकल के गिर गया, मेरे को पता नहीं रीज़न क्या है, यादमातिक शक्ति होगा, मैं पहले भी एक बार टूटा था तो फिर भारी नुकसान मेरे को फिर से उठाना पड़ेगा पॉकेट मनी से, तो फिर आज का दिन तो फेल्ड रहा, कल फिर से कोशिश करेंगे, कल और एक मतलब इम्पोर्टेंट टाइम, मतलब पता नहीं है सबसे पहले कितने बजे चालू होता है, लेकिन ये जो ट्रम है 1 बजे के करीब आधा घंटा मतलब 10 मिनट आगे पीछे होता रहता है, इस टाइम से ऐसे गुजरता है, तो फिर यही फिक्स्ड है, मैं कल इसी टाइम पर आऊँगा, कोई मौका नहीं है, मैं सोचा था कि दौड़ की जगह पकड़ लूँगा सुपरमैन की तरह, सॉरी फ्लैश की तरह, लेकिन हुआ नहीं, तो फिर यही है उसका कंक्लूशन, मिलते हैं कल। मैं कैमरा पे भी निकल नहीं पाया, मैं मेट्रो से निकलते ही देख रहा हूँ कि बहुत तेज चले जा रहे हैं, तो मैं दौड़ते दौड़ते आया, पैर में चोट था फिर भी, लेकिन मिला नहीं, यही अपडेट। आप मेरे फेस पे दर्द तो देख सकते हैं लेकिन महसूस नहीं कर सकते, फाइनली जिस चीज का डर था मेरे साथ वही हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन आपका भाई रुकने वालों से तो नहीं है, लेकिन नेक्स्ट दिन और थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लेके फिर से निकल पड़ा, और उस दिन भाई हम मिला आज में। तो
जो अंकल है वो उनका टिकट संभालता है, उनसे पूछता है, अंकल वो कितने बजे जाएगा फिर से ये ट्राम? ये ट्राम है, ये तभी चली है, चली जाएगा ना अभी। हाँ ठीक है, घूम के आएगा उधर से ना। कम कम ब्रो, इट्स एसी मैन। भाई जाओ, आपको तो मैंने बताना भूल गया, इस ट्रिप में मेरे साथ दूसरे दिन मैं अनिर्बाण भी था। और अनिर्बाण कौन है भैया? ये बहुत लंबा स्टोरी है, किसी और दफा सुनूंगा। आप आज का वीडियो एंजॉय करो। गोरियाट तक जाता है एस्प्लेनेट से, तो पर हेड आपका 20 रुपीज़ है एंड दो आदमी का गाड़ा 13-12 भी मैंने दिया, मेरे को फ़ोन पे कर देना तो बाकी पैसा मिलेगा मैं करूँ। बाकी पैसा दे रहे हैं। अगर मैं बुक की कलेक्शन के बारे में बोलूँ तो फिर यहाँ पर आपको हिंदी, बंगाली, इंग्लिश और भी 2-3 लैंग्वेज की लिटरेचर की बुक मिल जाएंगे। उसके साथ भी आप डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स भी मिल रहे हैं, जनरल नॉलेज की बुक मिल रहे हैं और साथ में सबसे बढ़िया वाईफाई फ्री। कृपया इसको सही इस्तेमाल करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने वाईफाई का स्पीड चेक नहीं किया, प्लीज़ कमेंट में आप उसका सवाल ना पूछें। तेरे को कैसा लगा? सही है, जस्ट सही है, और कुछ नहीं। बेसिकली देख, ऐसा नहीं है कि यू हैव इनफ टाइम टू रीड अ कंप्लीट बुक, बट इफ़ यू आर लाइक एवरेज बुक रीडर तो देयर इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ कलेक्शंस, तो तेरे को कोई ना कोई कॉमन बुक मिल ही जाएगा जो तू ऑलरेडी पढ़ रहा है, एंड देन यू कैन कंटिन्यू दैट हियर। अच्छा, ओके, यू कैन कंटिन्यू दैट ड्यूरिंग योर राइट। आई थिंक दैट्स अ गुड फीचर। मैं एक चीज़ क्या नोटिस कर रहा हूँ कि लोग नहीं से एज ऑर्डिनरी ट्राम ही ले रहा है, इसमें लाइब्रेरी है एंड नो वन रीड द बुक, कोई बुक पढ़ता नहीं। इट्स लाइक दे आता वो लोग आता बैठता चले जाता। हर चीज़ का होता है कि उसका मार्केट का क्या है, ठीक है, उसका मतलब टारगेट ऑडियंस क्या है, उसको टारगेट ऑडियंस बोलते हैं। इस टर्म पे टारगेट ऑडियंस है वो है जो लोग पढ़ना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो टारगेट ऑडियंस है वही सिर्फ ट्राम पे चलेंगे, क्योंकि कम्यूटर टारगेट ऑडियंस इज नॉट पार्ट ऑफ द कम्यूटर, नॉट द होल कम्यूटर सेक्शन। अच्छा, मेरे को लगता था कि ये सिंगल यूनिट है तो उस दिन इसीलिए मैंने वेट नहीं किया, लेकिन है वो सिंगल यूनिट में नहीं है, बहुत सारा ट्रेन 2-3 है मिनिमम। কালীঘাট কা এই তরফ না এদিকে এদিকে না এদিকে কালীঘাট মানে এখান থেকে অটো পাবো না মানে কোথায় কালীঘাটের জন্য কিচ্ছু পাবো না কি করে যাব হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা आप लोग प्लीज़ एक बार इस अंकल की स्वैग पे गौर फरमाइए। आई होप आपको अच्छा लगा अंकल का स्वैग, मेरा वीडियो दोनों। तो फिर आपसे मिलते हैं एक नया ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू स्माइल गुरु।